नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर और एम टी फोर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं एक चार्ट के ऊपर बेस करके वीडियो बना रहा हूँ, जो है टोरेंट पावर का 31 तारीख का चार्ट है। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे इसके ऊपर काम करना है। बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम होता है मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करना, और ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, टारगेट क्या रखना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो पहला मन में क्वेरीज आता है, जो इतना सारा स्क्रिप्ट में से कहाँ पर कॉल बन रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में एक ऑटोमेटिकली अलर्ट का सिस्टम होता है। कहीं पर भी कुछ कॉल बनता है तो हम लोग के पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल, इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, जैसा सोचिए ये 31 तारीख को 1 बजे कॉल बना था बाइंग का, तो जब भी कॉल बनेगा उसका राइट साइड में उसका वैल्यू लिख के आएगा, जो कौन सा वैल्यू में बाय दिया है, उसके ऊपर में टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ लिख के आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो कॉल में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ वो कितना सही है, उसमें मुझे ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर मार्केट का कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, और उसका बाद ही हम लोग वो डिसीजन ले पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो बाय का कॉल बना है, बाय का कॉल में आपका फर्स्ट कंडीशन होता है नीचे का रिबाउंड का कलर को देखना है। तो बाय का कॉल में नीचे का रिबाउंड का कलर ग्रीन होना है। एक ग्रीन पट्टी का मतलब है यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है। सेकेंड कंडीशन होता है बाय कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, वो भी ग्रीन कलर का। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इस ब्लू कैंडल का नीचे देखिए आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्टार दिखाई देगा। स्टार एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके निकलता है। तो ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में देखिए आपको सिंपल मूविंग एवरेज जैसा लाइन दिखाई देगा, और इसमें आपको एक मिडिल में व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई देगा। तो ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। बेसिकली यही मार्केट को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, आपका सामने मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जहाँ से ये मूविंग एवरेज का लाइन है, न्यूट्रल लाइन, मतलब ये व्हाइट लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग जोन में घुस जा रहा है। तो जब भी कोई कॉल बनेगा आपका सामने, आपका फर्स्ट काम होगा ये तीन कंडीशन को मैच करना, नीचे का रिबन का कलर क्या है, स्टार है या नहीं, और ये लाइन न्यूट्रल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये तीन चीज़ मैच होता है तभी जाके हम लोग एक कॉल को स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अब हम लोग को ट्रेड करना है, तो फाइनली जब हम लोग ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर पुट करने का पहले हम लोग को और एक चीज़ देखना चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के हिसाब से। देखिए, जब भी हम लोग का सॉफ्टवेयर में कोई कॉल बनता है, सिग्नल बनता है, उसका पहले आपको एक कैंडल दिखाई देगा जिसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर का कैंडल का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंट भी क्या है? तो ये ब्लू कलर का जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। मुझे ब्लू कैंडल का हाई को देखना पड़ेगा। देखिए, मैं इस कैंडल का ऊपर क्लिक किया, उसका ऊपर में इसका हाई दिखा रहा है 274.8। तो कंसेप्ट यही रहेगा, जब तक कोई भी कैंडल इसका हाई को तोड़ेगा नहीं, जैसे इस कैंडल का भी हाई दिखे 274.8 है, मतलब सेम हाई है, इसको तोड़ा नहीं है। तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, तब तक हम लोग एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, ये कॉल बना था आपका लगभग 1 बजे, और इसका हाई तोड़ रहा है लगभग ये जो कैंडल है 2 बजे का, जिसका हाई था 275.5, मतलब इसका हाई से ऊपर। तो बोलने का मतलब है ये जो बाय का कॉल है, मुझे ट्रेड पकड़ना है इस कैंडल से, इसका पहले नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। सिग्नल आने का मतलब ऐसा नहीं जो ट्रेड कर लेना, या कंडीशन का मैच होने का मतलब मैं तुरंत ट्रेड डाल दूंगा, नॉट लाइक दैट। मुझे मार्केट का बहुत सारा रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसका बाद में ट्रेड करता हूँ, देन मुझे एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो यही सिंपल कंसेप्ट है, मगर आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारा लॉजिक होता है, कोई भी थ्योरी या लॉजिक खराब नहीं है, मगर अगर आप उसको सही से फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑब्वियसली दिखाई देगा। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में यही सिंपल कंसेप्ट है। सिग्नल बनेगा, आपको फर्स्ट कंडीशन मैच करना है, उसका बाद ब्लू कैंडल का जो हाई है उसको तोड़ने का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम लोग कैंडल ब्रेकआउट थ्योरी कहते हैं। उसका बाद ही आपको
यहाँ पर एंट्री लेने से आपको अपना रिजल्ट दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको इस तरीके का वीडियो कंटिन्यूसली मिलता रहे। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोज़ देखना है या फिर और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो वीडियो का नीचे देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।